खबर बुरहानपुर से है, जहां शहर की धड़कन कहे जाने वाले पावर लूम बंद करने का निर्णय लिया गया है। बुरहानपुर पावर लूम बुनकारों की समस्याओं को लेकर मोमिन जमागात खाना में बुनकर संघ की बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि जब तक लेबर कोर्ट से तय मजदूरी नहीं मिलेगी, तब तक पावर लूम चालू नहीं किए जाएंगे। बैठक में तयशुद मजदूरी देने, पैसे काटने, सेकेंड डैमेज के नाम पर पैसे काटने, बुनकारों से ब्लैंक चेक लेकर गलत इस्तेमाल करने, हफ्तेवारी पगार नहीं मिलने और बिजली कंपनी द्वारा लाइन काटने आदि समस्याओं पर चर्चा की गई। बुनकर संघ के अध्यक्ष रियाज अंसारी ने कहा कि लेबर कोर्ट से जो मजदूरी तय हुई थी वह नहीं मिल रही है। लेबर कोर्ट में 25 रुपए 25 पैसे प्रति पिक पर प्रति मीटर की मजदूरी तय हुई थी, लेकिन बुनकारों को कम मजदूरी दी जा रही है। आपको बता दें कि बुरहानपुर में 50,000 से अधिक पावर लूम है, जिसमें से 30,000 ही चल रहे थे, लेकिन आज से वह भी जब तक फैसले नहीं होता तब तक बंद कर दिए जाएंगे। अभी तो पावर लूम पूरी तरीके से बंद है, क्योंकि पावर लूम पे हमको जो मजदूरी तय हुई थी लेबर कोर्ट में 25 रुपए 25 पैसे प्रति पिक प्रति मीटर की, तो वो मजदूरी हमको कम मिल रही है। और टेक्सटाइल द्वारा गट्टी के नाम पे पैसा काटा जा रहा है, और टेप लाइन लंबी लगाई जा रही है, और पगार में पैसा कोन बीम की घट्टी और सूत की घट्टी के कारण कम दिया जा रहा है, और जो मजदूरी कम मिल रही है, तो हम उसमें हमारे यहाँ की जो लेबर है और जो हमारे टूट फूट का खर्चा है वो नहीं निकल रहा। जैसे हमारे यहाँ लेबर और जो दूसरे लोगों को मजदूरी बटती है, जैसे 25 रुपए 25 पैसे में जो 38% पावर लूम मजदूर को लूम चलाने वाले को जाता है, फिर कांडी भराई है, लेबर है, मिस्त्री खर्च है, वेल्डिंग का खर्च है, स्पेयर पार्ट का खर्च है, ये तमाम 10 लोगों को इस 25 रुपए 25 पैसे में खर्च बटा हुआ है। जो टेक्सटाइल हमें मजदूरी देती है उसमें हमारे बिल, बिजली बिल की भी भरपाई नहीं हो रही है। जगह जगह हमारे पावर लूम बुनकरों की लाइन काटी जा रही है, और पावर लूम इसी कारण से बने कि वो मजदूरी का शिकार है, मजदूरी कम मिलने का।